अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फैबुलस फूड। पेश है बहुत ही जायकेदार रेस्टोरेंट स्टाइल सी कबाब की रेसिपी, जिसे मैं कोयले पर बनाऊंगी और जिनके कबाब टूटकर गिर जाते हैं वो प्रॉब्लम भी सॉल्व कर दूंगी इंशाल्लाह। तो चलिए फिर बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने करीब 900 ग्राम मटन का फाइन कुटा हुआ कीमा ले लिया है और मटन का ही फैट यानी कि 100 ग्राम तक मैंने मटन की ही चर्बी को चॉपर में चॉप करके ले लिया है और इस कीमे में इसे ऐड कर दूंगी। मैंने मटन कीमे को अभी ग्राइंड नहीं किया है, मैं मैरिनेट करने के बाद इसको ग्राइंड करूंगी। आप पहले भी ग्राइंड कर सकते हैं कीमा को। और अब यहाँ पर एक चम्मच भरकर दरदरी कुटी हुई हरी मिर्च ऐड करूंगी, इसे ज़रूर ऐड कीजिएगा, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और 3 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दूंगी। और अब 2 मीडियम साइज़ की प्याज को मैंने चॉप कर लिया है और उसका पानी बिल्कुल निचोड़ कर निकाल दिया है। इसका पानी बिल्कुल निकाल देना है। कीमे का भी मैंने पानी बहुत अच्छे तरीके से निकाल दिया था। और एक बंच हरी धनिया को भी काट कर इसमें ऐड कर देना है। और यहाँ पर मैंने कुछ पाउडर मसाले ले लिए हैं, जिनमें से मैंने 2 चम्मच कुटी हुई धनिया, 1 चम्मच कुटी हुई काली मिर्च, रेड चिली फ्लेक्स 2 चम्मच, गरम मसाला 1 चम्मच, नमक जायके के मुताबिक और आधा चम्मच हल्दी पाउडर ले लिया है। इन सबको इसमें ऐड कर देना है। और उसके बाद 4 चम्मच बेसन को मैंने रोस्ट कर लिया है, भून लिया है, ये देखिए, इसको मैं इसमें ऐड कर दूंगी। और फिर इन सबको इतने अच्छे से मिक्स करना है कि एक दूसरे में अच्छे से मिल जाएं, सारे मसाले बिल्कुल एक एक रेशे में पहुंच जाएं। इस तरह से इसको मिक्स करना है, जिस तरह से हम आटा गूंथते हैं उस तरह से हमें इनकी गुंधाई करनी है। इसको मिक्स करने में थोड़ी मेहनत करनी पड़ सकती है, इसलिए कि कीमा हमारा बिल्कुल से पानी निकला हुआ है, कीमे में बिल्कुल भी पानी नहीं है, देखिए कितना सूखा है। और यही वजह है कि ये सीक से टूट कर गिरेंगे भी नहीं। जिनके कबाब सीख से टूट कर गिर जाते हैं कोयले पर, तो यही वजह होती है कि उनका कीमा या तो बहुत ज़्यादा गीला होता है या तो उसमें बेसन और फैट की क्वांटिटी परफेक्ट नहीं होती है, इस वजह से ऐसा होता है। तो आप आगे देखेंगे वीडियो में कि मेरे कबाब कितने सही बने हैं। और अगर फिर भी कबाब टूट कर गिर जाते हैं तो उसका भी सलूशन बताऊँगी मैं। और अब ये पूरे तरह से मिल चुका है, अब इसे मैं ढककर मैरिनेट होने के लिए रख दूंगी। सुबह के टाइम ही मैंने इसको रखा था और अब शाम का टाइम है। स्कीवर्स मैंने धोकर अच्छे से पोंछ लिया है। इस तरह के स्कीवर्स से ही में ही कबाब एकदम परफेक्ट बनते हैं। रेस्टोरेंट में ज़्यादातर इसी तरह की सीखें इस्तेमाल की जाती है। और यहाँ पर कबाब को मैंने ग्राइंड कर लिया था, ये देखिए, लेकिन बहुत महीन नहीं पीसना है क्योंकि कबाब हमें गलावटी वाले नहीं चाहिए, थोड़ा कबाबों में बाउंस होना चाहिए। तो इस तरह से हम इसको लेंगे और इस तरह से सीखों में लगा देना है। आप इसको देख सकते हैं कि मैं किस तरह से लगा रही हूँ, एकदम आराम से और हल्के हाथों से ही इसको हल्के हल्के से प्रेस करके इसमें सेट करना है। सीखों में ऊपर नीचे वाले कॉर्नर को अच्छी तरह से दबा देना है, ज़्यादातर इधर से ही कबाब खुलने लगते हैं। और अब दूसरी सीख में भी इसी तरह से कबाबों को सेट करके लगा लेना है। पहली सीख मैंने कोयले पे रख दी है, कोयला अच्छे से अंगार बन चुका था, लहक चुका था, तो मैंने उस सीख रख दी टेस्ट करने के लिए कि कबाब गिरेगा तो नहीं। और इन तीनों सीखों में भी कबाबों को लगा दिया है मैंने और इसे अब कोयले पे रखने जा रही हूँ। इन तीनों सीखों को भी मैं कोयले पर अच्छे से सेट करके रख दूंगी। पहले वाली सीख आप देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा कलर चेंज हो गया है और टूट कर गिरने के कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब कि ये सही बना है कबाब। लेकिन अगर फिर भी आपके कबाब टूट कर गिरने लगे तो क्या करना चाहिए, आगे मैं वीडियो में बताऊंगी। और अब 4 स्कीवर्स और है मेरे पास, इसमें भी मैं कबाबों को लगा लूंगी और इसे धागे से बांध दूंगी, तब ये बिल्कुल भी नहीं गिरेगा। और ये मैंने धागा ले लिया है, धागे का एक लंबा अमाउंट तोड़ लेना है और फिर उंगली से नीचे धागे का एक पोर्शन दबाकर और चारों तरफ इसको लपेट देना है कबाबों पर। इसमें कोई नॉट या गीट नहीं बांधनी है वरना निकलने में परेशानी होगी। ये देखिए, इस तरह से लपेटने के बाद ऊपर धागा इस तरह से चिपका देंगे कबाब पर ही।
सलाई पर इसको बिल्कुल भी इसमें नॉट नहीं बांधनी है, वरना बाद में निकलने में परेशानी होगी और निकालते टाइम टूटने लगते हैं कबाब। अब ये दूसरा देख लीजिए, दूसरा मैंने कैसे बनाया है। बहुत इजी है इसको बनाना, एक दो बार की प्रैक्टिस से बहुत आसानी से बनकर तैयार हो जाते हैं ये सीख कबाब। और ये देखिए, ये पहली वाली सीख है, कबाब करीब करीब हो गया है ये, पर इसको हम साइड में अभी रख देंगे और सारी सीखों को सेट कर देंगे अच्छी तरह से अंगारों पर। और ये देखिए, जिस पे धागा नहीं बंधा है वो थोड़ा सा खुल गया है, लेकिन गिरेगा नहीं ये, क्योंकि ये कबाब कच्चे कीमे के होते हैं तो श्रिंक भी होते हैं, इस वजह से भी ऐसा हो जाता है। लेकिन कोई बात नहीं, ये इतना तो होता ही है, पर जिसमें धागे बंधे हैं उनके साथ कुछ भी नहीं होगा। और ये देखिए, बहुत अच्छा सा कलर आ गया, ये बहुत अच्छे से सेक रहा है। आँच इतनी ही रखनी है, बहुत तेज़ आँच नहीं होनी चाहिए, वरना कबाब हमारे जल जाएंगे और अंदर से कुक नहीं हो पाएंगे। तो तैयार हो गए हैं हमारे ये सीख कबाब, और इन्हें इस तरह से टिश्यू पेपर की हेल्प से मैं इसे निकाल लूँगी, और जिन कबाबों में धागे बंधे हैं वो भी बहुत आसानी से निकलेंगे। ये देखिए, ये इसमें जो है धागे बंधे हुए हैं और कितने आसानी से ये निकल गए। और अब मैं इसे तोड़कर दिखाती हूँ आपको कि ये अंदर से कितनी अच्छे तरीके से पक चुके हैं। ऊपर की लेयर बहुत कुरकुरी सी हो गई है और अंदर से एक बाउंस सा है कबाबों में, और अंदर से बहुत सॉफ्ट भी है। तो ज़रूर ट्राई करें ये रेस्टोरेंट स्टाइल सीख कबाब मेरे तरीके से। और मेरी वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगी हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स में, और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।